हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 जून के लिए बेस्ट 5 इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स, जिनके अंदर आपको यहाँ पे मैं लेवल्स बताऊँगा कि कहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, क्या आपका टारगेट होगा और क्या स्टॉप लॉस होगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, चार्ट पे आपको एंट्री बताऊंगा कि क्यों करनी है, साथ में आपको एंट्री है वो 5 मिनट, 3 मिनट या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके ये एंट्री करनी है। मेरी तरफ से कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ खुद से रिसर्च कीज करके भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर एवरीडे मॉर्निंग में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पे इंट्राडे की कॉल्स दी जाती हैं, इंट्राडे में जो न्यूज आती हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिएगा। हम चलते हैं जो इंट्राडे के बेस्ट 5 स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट के ऊपर। तो पहला जो स्टॉक वो हमने चुना है रेडिको खेतान। रेडिको खेतान के अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक गिरावट के बाद में यहाँ से मूवमेंट आई थी, मूवमेंट के बाद में यहाँ पे फिर एक रिट्रेसमेंट किया है और फिर से यहाँ पे चाल शुरू हुई है। तो यहाँ पे जो हाई बना हुआ है ये स्विंग, इसके पास तक जाने के लिए अभी इसके अंदर जगह है, और जगह यहाँ पे है तो आपको एंट्री लेनी है 1200 के पास में, आपको एंट्री लेनी है। इसके अंदर जो टारगेट होगा वो 1220 पे आपका पहला टारगेट होना चाहिए, 1230 का आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। इसके अंदर आपको स्टॉप लॉस रखना है 1193 का। तो ये हो गया रेडिको खेतान हमारा पहला स्टॉक। नेक्स्ट वाला जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा MNM। इसके अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक काफ़ी अच्छी गिरावट थी, उसके बाद में यहाँ पे 61 का एक गोल्डन रेशियो था, उसका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस था, साथ में यहाँ पे गोल्डन रेशियो था उसका रिट्रेसमेंट था। तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद में फिर ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक 78% का रिट्रेसमेंट होता है, जो कि स्टॉप लॉस का लेवल होता है यहाँ पे, ठीक है, जो आप एंट्री करते हो उसका। तो यहाँ पे जब स्टॉप लॉस का एंट्री हो जा, मतलब स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, तो उसके बाद में ट्रेंड रिवर्सल के साइन होते हैं। तो यहाँ पे अब इस लेवल को यहाँ पे ऊपर निकालता है, तो पूरे चांसेस हैं कि ये पूरा जो हाई है वहाँ तक जाए। इसके अंदर आपको एंट्री कब लेनी है, यहाँ पे 1345 के ऊपर आपको एंट्री लेनी है। जो टारगेट होगा वो 1355 का पहला टारगेट होगा, 1365 का यहाँ पे दूसरा टारगेट होगा, और इसके अंदर आपको स्टॉप लॉस रखना है 1337 के करीबन तक का। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला स्टॉक। इसके बाद में जो स्टॉक है वो है लॉरस लैब्स। लॉरस लैब के अंदर भी देखोगे काफ़ी अच्छी गिरावट थी, गिरावट के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसने एक ऊपर की एक शुरुआत की है, ये वापस एक हायर हाई बना रहा है, और यहाँ पे जो लो बना रहे हैं वो लोअर हायर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक ब्रेकआउट दिया है कंसोलिडेशन के बाद में। अब इसके अंदर यहाँ पे एंट्री करनी है कब, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है 347 के ऊपर, 347 के ऊपर आपको एंट्री करनी है। इसका जो टारगेट होगा 351 का पहला टारगेट होना चाहिए और 354 का आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस है वो 343 का स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉरस लैब के अंदर। नेक्स्ट वाला जो स्टॉक है वो है हमारा यहाँ पे इंडस टावर। इंडस टावर के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में इसने ऊपर गया और यहाँ पे जो स्विंग था उसका रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद में वापस रिटेस्ट हो चुका है ट्रेंड लाइन का, और यहाँ पे फिर से ऊपर की चाल शुरू हुई है। यहाँ पे भी आपको एंट्री लेनी है, जो यहाँ पे ये हाई निकलता है इसके अंदर ऊपर के साइड में, तो आपको एंट्री लेनी है 161, आपको पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे एंट्री लेनी है। 163 का पहला टारगेट होना चाहिए और 165 का आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए, 158 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा यहाँ पे क्वेस्टकॉर्प। क्वेस्टकॉर्प के अंदर भी देखोगे अच्छी गिरावट के बाद में यहाँ पे राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया था, राउंडिंग बॉटम का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया उसके बाद में हुआ है, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद में ये ब्रेकआउट होने के बाद में इसने रिटेस्टिंग भी कर ली है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्टिंग हुई और फिर यहाँ पे वापस उसके अंदर चाल शुरू हुई है। इसके अंदर एंट्री करनी है आपको 419 के ऊपर, 419 के ऊपर आपको एंट्री करनी है। 425 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए और 430 का आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। 415 पे आपको क्या रखना है, इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है। तो ये 5 स्टॉक्स हो गए जिनके अंदर आप इंट्राडे के अंदर काम कर सकते हो। 5 मिनट, 15 मिनट या 3 मिनट पे आपको खुद से एनालिसिस करनी है, फिर आपको एंट्री करनी है। तो
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।